केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। भारत में रक्षा उत्पादन 1,00,000 करोड़ से अधिक हो गया है। गौरव की बात है कि भारत में बने रक्षा उपकरणों का आज 80 देशों में निर्यात हो रहा है। 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि जब बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है। कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि रक्षा मंत्री कहते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए। आज पीएम मोदी की सरकार ने सीमा क्षेत्रों में 6,800 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई हैं। कांग्रेस के समय में केवल घोटाले होते थे। भाजपा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में डिफेंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, उस रिफॉर्म्स का आज रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने 3 विषय रखूंगा। डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुँचा है। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले परिस्थितियां ऐसी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज भारत आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ डिज़ाइन में भी लीडरशिप ली है भारत ने। 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं अपने भारत का, स्वयं के डिज़ाइंस के इक्विपमेंट, इवन आर्टलरी गन जैसी चीज़ें आज भारत में खुद में डिज़ाइन होके उपयोग में आ रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। दूसरा विषय रखूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपकी याद कीजिए, कांग्रेस के समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ऐसी हालत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर एरियाज में 6,800 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर रोड्स बनाई है। हमारी सेनाओं के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की व्यवस्था की है। तीसरा विषय रखूँगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए हैं। पहला CDS, जो बहुत लंबे समय से डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में एक इंटीग्रेशन के लिए CDS की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो एस्टेब्लिश किया। थिएटराइजेशन, युद्ध की जो परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से तीनों के तीनों विंग्स